साथियों, भाजपा की सरकार देश के किसान के लिए, देश के जवान के सम्मान के लिए समर्पित है। किसानों के हक के लिए आवाज उठाने वाले भारत की कृषि नीति और अपनी छाप छोड़ने वाले सर छोटू राम जी की भव्य प्रतिमा का अनावरण करने का सौभाग्य मुझे कुछ महीने पहले ही मिला था साथियों। लेकिन यहां इसी धरती से कुछ हफ्ते पहले सार्वजनिक मंच से एक नेता ने कहा कि जो भी देश के गद्दार है उन्हें अंग्रेजों ने सर की उभाती दी थी। भाइयों बहनों, उसके बाद उनके एक और बड़े नेता ने इसका समर्थन किया। क्या मेरे हरियाणा के लोग सर छोटू राम के इस अपमान को बर्दाश्त करेंगे? सर छोटू राम के इस अपमान को बदनाम करेंगे? सर छोटू राम के इस अपमान को बदनाम कर अब स्वीकार करेंगे क्या? अरे सर छोटू राम जैसे हमारे नायकों के आशीर्वाद से ही हम 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प पूरा करने वाले। पीएम किसान सम्मान निधि से छोटे किसानों के बैंक खाते तक सीधी मदद पहुंचनी शुरू हो चुकी है। हमने ये संकल्प लिया है कि 23 मई को जब चुनाव के नतीजे आएंगे, जब फिर एक बार तब हरियाणा के हर किसान परिवार के खाते में हर वर्ष साल में 3 बार सीधी मदद पहुंचेगी। इतना ही नहीं, जो छोटे किसान हैं, खेत मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनको 60 साल के बाद नियमित पेंशन भी मिलेगी। साथियों, किसान की खेती पर लागत कम हो इसके लिए भंडारण की एक बहुत बड़ी व्यवस्था हम खड़ी करने वाले हैं। गांव के पास ही किसान अपनी उपज का भंडारण कर पाए इसके लिए ग्राम भंडारण योजना पर विस्तार से काम किया जाएगा। अन्नदाता अब ऊर्जा दाता भी बने इसके लिए डीजल पंपों को सोलार एनर्जी से चलने वाले सौर पंपों में बदलने का व्यापक अभियान हमने छेड़ा है। भाइयों और बहनों, एक तरफ किसानों के हितों के लिए जहां पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने झूठ और धोखे की नीति अपना रखी है। कर्ज माफी के नाम पर उसने राजस्थान में, मध्य प्रदेश में किसानों के साथ कैसे छलावा किया, कैसे उनको छला है, अब इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। वही स्थिति यह है कि किसानों को कोर्ट से नोटिस मिल रहे हैं और उन्हें जेल जाने की नौबत आ गई है। साथियों, जब वजूद खतरे में पड़ जाता है तब झूठ, प्रपंच और समाज में बंटवारे का खेल, ये कांग्रेस का पुरानी आदत है। कांग्रेस के राज में समाज का कोई भी वर्ग सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस न्याय की बात करती है, लेकिन यहां आपने खुद देखा है कि दलित वर्ग से आने वाले अपने अध्यक्ष तक को वो इंसाफ नहीं दिला पाई। साथियों, कांग्रेस की एक और करतूत के बारे में यहां के युवा साथियों को जानना जरूरी है। 1984 में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सहित देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे हजारों सिख बहन भाई, छोटे छोटे बच्चों को कांग्रेस परिवार और उसके दरबारियों के इशारों पर हत्या की गई, बेरहमी से उनको मारा गया। 34 सालों तक दर्जन भर आयोग बने, लेकिन सिखों को इंसाफ नहीं मिला। आपके इस चौकीदार ने सिख समाज से
देश से 84 के गुनहगारों को सजा देने का वादा किया था। मुझे संतोष है कि सिखों के गुनहगारों को फांसी और उम्र कैद मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन ये बेशर्म कांग्रेस उन लोगों को आज भी इनाम दे रही है जो उस पाप में हिस्सेदार रहे हैं। सिख दंगों में जिस पर सवाल उठे हो उसे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि उसे आपकी भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस का इतिहास ही आपकी भावनाओं को नजरअंदाज करने का है, करना वरना कोई वजह नहीं थी कि आज हमारा पवित्र स्थान, हमारे करतारपुर साहिब आज पाकिस्तान में है। बंटवारे के समय थोड़ा भी जोर लगाया जाता तो करतारपुर साहब आज भारत की धरती में होते। मैं अपने इन गुरु के दर्शन के लिए सीमा पार करने का और आने जाने का, भाइयों बहनों, एक सिलसिला कैसे शुरू हो, हम आगे बढ़े हैं। भाइयों और बहनों, कांग्रेस के इस अन्याय को सुधारना मुश्किल है, लेकिन हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि करतारपुर साहब का दर्शन करने जो भक्त जाते हैं उन्हें तकलीफ ना हो। इसके लिए करतारपुर साहब कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है।